जाने माने गायक सोनू निगम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सोनू निगम ने कहा, योगी जी बहुत दूरदर्शी हैं, ऐसे लोगों का नेतृत्व अगर किसी प्रदेश या देश को मिलता है उसकी सराहना और सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले सोनू निगम अयोध्या पहुंचे थे। सोनू निगम ने राम मंदिर निर्माण में एक ईंट रखने की इच्छा जताई है। योगी जी एक बहुत ही डायनेमिक और दूरदर्शी आदमी है, और ऐसे लोगों का लीडर नेतृत्व जब किसी प्रदेश को मिलता है या देश को मिलता है तो उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और मैं मेरे लिए उनके इस बात के लिए विचार है, क्योंकि मैं लखनऊ में था भी, कल मैंने रामलला के दर्शन किए थे अयोध्या में मेरे मित्रों के साथ में। हम सभी की श्रद्धा है उसमें, और एक ये ऐतिहासिक समय चल रहा है, दौर चल रहा है, जब हम अपनी आंखों के सामने इतनी बड़ी चीज़ का पदार्पण देख रहे हैं हम अपनी आंखों से, तो उसका उसका सहभागी बनना हम सभी को अच्छा लगा। कल मैं जाऊंगा काशी विश्वनाथ, वहाँ पे भी मुझे दर्शन करने थे, तो इसी सिलसिले में जब मैं यहाँ पर था तो योगी जी से मिलने की हमारी एक अच्छा कॉन्फिडेंस हुआ। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम रविवार को अयोध्या पहुंचे। सोनू निगम ने यहां पहुंचकर हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। रामलला के दर्शन के बाद सोनू निगम ने कहा, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आकर अभिभूत हूं। अयोध्या भारत का हृदय स्थल है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की गरिमा का विषय है। राम मंदिर सभी को जोड़ने का काम करेगा। सोनू निगम ने कहा कि मन में बहुत दिनों से अयोध्या आने की इच्छा हो रही थी। मैं अधिक समय तक दुबई और मुंबई में रहता हूं, इस बार ज्यादा समय तक मुंबई में रहना हुआ तो अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। रामलला के दर्शन कर मन में अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव हुआ। सोनू निगम ने कहा कि मेरी इच्छा है कि राम मंदिर में एक ईंट रखूं। वास्तव में ये मेरी ही नहीं समस्त भारतवासियों की इच्छा है कि वो राम मंदिर में अपना योगदान कर सके। इतने सारे तीर्थों को मैंने नमन किया है, मैं इतने गया हूँ, लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसी अनुभूति हुई है जो मुझे कभी हुई नहीं। इसीलिए क्योंकि ये वो जगह है जो भारत का हृदय है, एक हिंदू धर्म की सबसे बड़ी आस्था है। इस जगह ने इतना ऊपर नीचे देखा है, इस वजह से कितने लोग कितने भारतवासी दुखी हुए हैं या इससे कितने लोग अफेक्टेड रहे हैं, यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ।